यहाँ पे जो रिस्क बनती है ना, रिस्क की प्रोफाइल बनती है, ये बनती है किस लेवल पे, एनी लेवल पे, किसी भी लेवल पे बन जा रही है, ठीक है, किसी भी लेवल पे बन जा रही है। लेकिन जब इसकी पोर्टफोलियो व्यू हो जाती है तो ये सारे काम होते हैं, लेकिन वो अब इंटिटी वाइड पे हो रहे हैं, यानी इंटिटी लेवल पे हो रहे हैं, यानी बिजनेस के लेवल पे जाके बातें होती हैं। यानी प्रोफाइल जो होता है वो थोड़े ग्रेनुलर लेवल पे होता है, छोटे लेवल पे होता है, लेकिन वेयर एज द पोर्टफोलियो जो होता है वो इंटिटी एज अ बिजनेस के लेवल पे होता है। अब ये रिस्क मैनेजिंग, रिस्क रिस्क का डिफिनेशन यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ, इज द पॉसिबिलिटी दैट इवेंट विल ऑकर एंड अफेक्ट द अचीवमेंट ऑफ द स्ट्रेटजी एंड बिजनेस, जिसके होने से आपके आपकी जो स्ट्रेटजीज है या आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको वो मतलब उसको अचीव करने से आपको प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट करता है। अपॉर्चुनिटी इन एनी एक्शंस और द पोटेंशियल एक्टेंट actions that create or alter the goals or approaches for the creation, preservation and realization of values. तो अपॉर्चुनिटी जो होता है वो कोई भी एक्शंस या कुछ पोटेंशियल एक्शंस हो सकता है, कोई भी चीजें होते हैं जिससे आपके गोल्स अप्रोचेस जो भी है वो चेंज हो जाते हैं। इसकी जो नॉर्मल जनरल मीनिंग से आप वही ले सकते हैं। द इफेक्टिव प्रोवाइड द रीजनेबल एक्सपेक्टेशन, अगर आपके पास प्रॉपर ERM है तो आप एज्यूम कर सकते हो कि क्या लेवल ऑफ रिस्क होने वाले है, ठीक है, तो यानी ये आपको एक एज्यूम्ड लेवल ऑफ रिस्क आपको बता देता है। रिस्क की इन्वेंट्री का मतलब होता है कि रिस्क की सारी आइडेंटिफाइड रिस्क है उसकी एक लिस्टिंग बना लेना, उसको रिस्क इन्वेंटरी कहते हैं। रिस्क कैपेबिलिटी कैपेसिटी जो होता है वो होता है जो मैक्सिमम कंपनी जो रिस्क को ले सकता है, दैट इज कॉल्ड द रिस्क कैपेसिटी। रिस्क एपेटाइट का मतलब होता है कि वो कितना एक्सेप्ट करने को रेडी है, दैट व्हाट इज कॉल्ड द रिस्क एपेटाइट। इनहेरेंट रिस्क में मैंने कहा था कि जब देयर इज नो रिस्क, नो इनहेरेंट में हमने बोला था कि जो उस प्रोसेस का या उस एक्शंस का एक अपना रिस्क होता है, इट इज द रिस्क इन द अब्सेंस ऑफ मैनेजमेंट एक्शंस टू ऑल्टर इट्स सिवियरिटी, ठीक है, तो ये इनहेरेंट रिस्क होता है। तो इनहेरेंट रिस्क आप सिंपल जब भी कोई कोई भी काम करते हैं तो उसका एक अपना इनहेरेंट रिस्क होता है। लाइक आप बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस की एक अपनी इनहेरेंट रिस्क होती है कि आपके कभी प्रॉफिट हो कभी आपके लॉस हो जाएंगे, ठीक है, तो उनका अपना वो एक अपना इनहेरेंट रिस्क है। एक्चुअल रेसिडुअल्स का मतलब जातना कि आपने सारे एक्शंस ले लिए हुए हैं, सारे एक्शंस आपने ले लिए उसके बावजूद भी अगर कोई कोई रिस्क अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको हम रेसिडुअल रिस्क बोलते हैं। रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि जो आप एक्शन प्लान करते हैं रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद अपने रिस्क के एपेटाइट के हिसाब से, उसको हम रिस्क रिस्पॉन्स बोलते हैं। एंड रेसिडुअल रिस्क प्रोफाइल इंक्लूड्स द रिस्क रिस्पॉन्स, जब आप रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं तो उसके अंदर रिस्क रिस्पॉन्स भी आप ये करते हैं। टारगेट रेसिडुअल इज द रिस्क ऑफ द एंटिटी रेफर्स टू द एज्यूम नोइंग दैट द मैनेजमेंट हैज क्रिएटेड और विल एक्ट टू ऑल्टर इट्स सिवियरिटी, मैनेजमेंट ने कुछ एक्शन प्लान लेके रखा है। अब आता है वैल्यू इज क्रिएटेड प्रिजर्व्ड रियलाइज एंड इरोडेड, तो बिजनेस के अंदर यही तो चार काम होता है, या तो आप वैल्यू क्रिएट करते हैं, दूसरा जो वैल्यू क्रिएटेड है उसको आप सस्टेनेबल बनाते हैं, उसके बाद बोलता है उसको ट्रांसफर्ड कर देते हैं यानी रियलाइज हो जाता है आपके स्टेक होल्डर को, चौथा हो जाता है जब आपकी स्ट्रेटजी प्रोडक्टिव नहीं है, डेड नॉट प्रोड्यूस एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड मैनेजमेंट डज नॉट परफॉर्म डे टू डे टास्क, यानी जो शेयर होल्डर से स्टेक होल्डर से उनका अपने वैल्यू क्रिएशन के बजाय उनको लॉस लाके दे दिया, दैट इज कॉल्ड द वैल्यू इरोडेड। इरोड का मतलब होता है खराब करना, खत्म करना। अब बात आता है जी ERM के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तो इन्होंने बोला कि ERM के रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या है, द बोर्ड प्रोवाइड्स रिस्क ओवरसाइड ऑफ द ERM कल्चर्स। अब बोर्ड प्रोवाइड करता है जी ERM कल्चर के बारे में आइडियाज देता है, उसकी कैपेबिलिटीज, उसकी प्रैक्टिसेस, ये सारी चीजें बताता है।
उसके बाद बोलता है सर्टेन बोर्ड कमिटीज मे बी फॉर्म्ड फॉर दिस पर्पस, ये इसमें से कुछ पर्पस के हिसाब से चीजें बनाई जाती हैं, कमिटी बनाई जाती है जो आपको ओवरसाइट्स देती है, जो आपको आइडिया देती रहती है, जिसमें सबसे पहला नाम होता है ऑडिट कमिटी का, दूसरा होता है जी रिस्क कमिटी, तीसरा एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन, चौथा नॉमिनेशन या गवर्नेंस कमिटीज। सबके अपने अपने कुछ काम होते हैं, लेकिन एग्जाम में सबका नाम जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके एस्से में सवाल आते हैं व्हाट आर द कमिटीज मेंट और मेंटेन इन द बिजनेस। तो सबसे पहले ऑडिट कमिटी, रिस्क कमिटी, नॉमिनेशन कमिटी और कंपनसेशन कमिटी, इस तरह के नाम होते हैं, सबके अपने अपने काम होते हैं। तो इन्होंने बोला कि ऑफन क्या करते हैं, रिक्वायर्ड बाय द रेगुलेटर, रेगुलेटर कौन होता है, एसईसी जो वहां पे बैठा हुआ है, या वहां पर की जो सॉक्स वाली कंपनी, सॉक्स वाली जो डिपार्टमेंट है वो बोलती है कि भाई यहाँ पे इंटरनल ऑडिट, यहाँ पे इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ये ऑडिट कमिटी मेंटेन करे, ऑडिट कमिटी यहाँ पे बनाओ, ताकि चीजों को जब आप चेक करो, जब आप मतलब जब आप ऑडिट करो तो ऑब्जेक्टिवली ऑडिट करो, किसी के इन्फ्लुएंस में आके नहीं करो। रिस्क कमिटी बना सकती है ताकि आप अपने जो ईआरएम बनाए हैं उसको ओवरसीज कर सके, उसको ओवरसाइट कर सके, उसको चेक कर सके, उसकी इफेक्टिवनेस को इंश्योर कर सके। फिर एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन कमेटी जो होती है वो डायरेक्टर्स को कितने कितने रेमुनरेशन मिलने चाहिए वो उसको डिसाइड करती है। नॉमिनेशन कमेटी जो होती है वो क्या होती है कि सेलेक्शंस ऑफ डायरेक्टर्स जो होता है उनको वो काम करती है, उनको वो ओवरसीज करती है, यानी उनको वो देखने का काम करती है। मैनेजमेंट की अपनी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि has a overall responsibility for the ERM and is generally responsible for the day-to-day managing the risk, including the implementation and development of the COSO frameworks. ये उनके day-to-day activities का भी part होता है, साथ में वो ensure करते हैं जो हमने COSO frameworks यहाँ पे लगाए हैं वो proper काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। यानी within the management, the CEO are the ultimate responsibility for the ERM, यानी ERM को लगवाने का जिम्मा जो किसके ऊपर है जी, सीईओ के ऊपर रहेगा। फिर बाद में वो अपनी चीजों को क्या करता है जी, डेलीगेट करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे मे डेलीगेट द रिस्क ऑफिसर्स एज अ सेंट्रलाइज्ड कोऑर्डिनेटिंग पॉइंट फैसिलिटेट द मैनेजिंग पॉइंट्स। उसके बाद बात आती है जी कि थ्री लाइंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेबिलिटीज है, तो इन्होंने बताया कि थ्री लाइंस पे कैसे है, थ्री लाइंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेबिलिटी। द फर्स्ट लाइन कंसिस्ट द प्रिंसिपल ऑनर ऑफ द रिस्क, ठीक है, दे मैनेज द परफॉर्मेंस एंड रिस्क टेकन टू अचीव द स्ट्रेटजी एंड ऑब्जेक्टिव। यानी जो प्रिंसिपल ओनर है, यानी हर डिपार्टमेंट का जो रिस्क का जो मैनेजर्स होता है वो आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, ताकि उसको रिस्पॉन्सिबल, अगर सेल्स रिलेटेड रिस्क है तो उनको पकड़ा जाए, फाइनेंस रिलेटेड तो फाइनेंस मैनेजर, परचेस रिलेटेड तो प्रोक्योरमेंट मैनेजर, तो वो हर डिपार्टमेंट के मैनेजर्स को, प्रिंसिपल ऑफिसर्स को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। उसके बाद होता है सेकेंड लाइन कंसिस्ट द सपोर्टिंग बिजनेस इनेबलिंग फंक्शंस लाइक रिस्क ऑफिसर्स प्रोवाइडिंग गाइडिंग ऑन द परफॉर्मेंस। तो दूसरा जो बंदा, जो बीच में एक बंदा डेजिग्नेटेड किया गया था, उसको भी पकड़ा जा सकता है कि हाँ भाई आपने जो चेक किया तो क्या क्या आपके मसले हैं, क्या चैलेंजेस हैं, ये सारे आपको बताने हैं। इवेल्युएट द एडहेरेंस ऑफ द स्टैंडर्ड चैलेंजिंग द फर्स्ट लाइन टू टेक द प्रूडेंट रिस्क। और ये जो दूसरे वाले जो बंदे होते हैं, रिस्क ऑफिसर्स होते हैं, जो पहले लाइन के मैनेजर्स के पास जाते हैं, उनको बताते हैं कि आप जो सिस्टम रन कर रहे हो, ये आप जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, आई डोंट अग्री विथ योर प्रोसेस, आई डिसएग्री, देन ही हैज टू कम विथ हिज सॉल्यूशंस। द थर्ड लाइन जो होता है, वो बंदा कैसे काम होता है वो मैं बता दे, तो इट इज लाइक अ एश्योरेंस लेवल पे काम होता है, यानी इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट या ऑडिटर भी हो सकता है, और आइडेंटिफाई द इश्यूज एंड इंप्रूवमेंट, परफॉर्म, इन्फॉर्म द मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूटिव फॉर मैटर नीडिंग द रेजोल्यूशंस। तो ये आपके एग्जाम्पल क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर से कि थर्ड लाइन्स में एक बंदे कौन होते हैं, तो इंटरनल ऑडिट वाले होते हैं, वो चेक करते हैं, या जो ईआरएम को रिव्यू कर रहे हैं, इज नॉट द फाइनेंस वाले ऑडिट वाले, दूसरे जो ईआरएम, जो आपने इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करी उसको रिव्यू करने वाले जो ऑडिटर्स बुलाए हैं वो, तीसरा जब आपको चीजें आइडेंटिफाई हो जाएगी, आइडेंटिफाई इश्यूज एंड देयर एंड इम्प्रूवमेंट, जब चीजें आएंगी, जब आप मॉनिटरिंग करेंगे, यानी कि करंटली ऑन गोइंग असेसमेंट करेंगे, तो ये भी चीजें पता चलती जाएंगे। अगर कुछ भी आपने एडवर्स देखा है तो आगे आप इन्फॉर्म कर लें। अब बात आता है जी ईआरएम की, अपने अपने कुछ कंपोनेंट्स है, तो ईआरएम के कंपोनेंट्स क्या क्या है वो थोड़े देख लें आप, कि हो सकता है कि इसमें से कुछ एक छोटा सा एस्से आ जाए।
तो ईआरएम के जो कंपोनेंट है उसमें सबसे पहला कंपोनेंट ये जो है, ये रीढ़ के हड्डी की तरह यानी स्पाइनल कोड की तरह काम करता है, यानी हर चीज एक दूसरे से लिंक्ड है। अभी इन्होंने बताया कि देखिए कि सबसे पहले इन्होंने बताया जी गवर्नेंस एंड कल्चर, दूसरा बताया जी स्ट्रेटजी एंड ऑब्जेक्टिव सेटिंग, तीसरी परफॉर्मेंस, चौथी रिव्यू एंड रिविजन, पांचवी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। तो ये जो होते हैं जी, ये पांच कंपोनेंट है ईआरएम के। तो प्लीज डोंट कंफ्यूज विद द कोसो के जो एलिमेंट्स या कंपोनेंट है या फ्रेमवर्क्स है और ईआरएम के, तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम द कोसो फ्रेमवर्क। दो टू नेम्स लुक्स वेरी सिमिलर वे, बट नॉट इवन टू, इट जस्ट वन नेम इज लुकिंग वेरी सिमिलर, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द कोसो। अब ये बताता है जी कोसो ईआरएम में जो पांच इंटर रिलेटेड है। अब कोसो ईआरएम फ्रेमवर्क कंसिस्ट फाइव इंटर रिलेटेड कंपोनेंट, 20 प्रिंसिपल्स एंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट द कंपोनेंट। पांच जो उनके अपने इंटर रिलेटेड जो फ्रेमवर्क्स है उसके 20 प्रिंसिपल्स है, उसके अंदर 20 प्रिंसिपल है, ठीक है। तो कल्चर पे तो आऊंगा बाद में, एक मिनट दे मेरे को।
देखिए एक्चुअली मैंने आपको सिर्फ 2 मिनट इसलिए रुकवाया था क्योंकि कभी कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे इस दो नाम पे। देखिए जिन लोगों ने पार्ट वन पढ़ा है उनको कोसों का मतलब कुछ और पता है, उनके दिमाग में जो चीजें चलती रहती है वो मैं बता रहा हूँ, उनके दिमाग में चीजें चलती होती है क्राइम। तो यही तो है क्राइम भाई। हाँ लेकिन क्राइम जो है वो इंटरनल कंट्रोल की है एंड दोनों जो है कोसों के ही फ्रेमवर्क है। ठीक है मेरी बात समझ रहे हैं ना, तो दोनों जो है कोसों के ही फ्रेमवर्क हैं बट दो अलग अलग चीजें हैं। एक ये है इंटरनल कंट्रोल बनाने के लिए फ्रेमवर्क है, एक है इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के लिए फ्रेमवर्क है। तो दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है तो इसमें टोटल 17 पॉइंट होते हैं जो आपको जानना चाहिए, टोटल 17 पॉइंट्स होते हैं व्हेन इट कम्स टू द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ठीक है जी, उसमें क्या क्या चीजें थी। पहला क्या था कि आपकी कंट्रोल इन्वायरमेंट यानी जो आप ऊपर बंदे बैठे हैं वो अच्छे होने चाहिए, जिसको टोन्स ऑफ द टॉप बोल के डिफाइन किया गया है, जिसमें क्या बोला है डेमोंस्ट्रेट द कमिटमेंट टू द इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यू, एक्सरसाइज द ओवरसाइट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एस्टैब्लिश द स्ट्रक्चर, डेमोंस्ट्रेट द कमिटमेंट टू द कॉम्पिटेंस एंड इन्फोर्स द अकाउंटेबिलिटी। तो ये हमारे कंट्रोल एनवायरमेंट के पहले 5 पॉइंट थे। दूसरे थे जी रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट में बोला गया था कि स्पेसिफिक सूटेबल्स ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई के बाद क्या करना था जी उसकी एसेस करनी थी, और लास्ट में उसकी जो है एनालाइज द सिग्निफिकेंट चेंजेस। तो आपको लगेगा कि रिस्पॉन्स के लिए वहां पे जो चेंजेस की रिक्वायरमेंट है आप उसको लगाएंगे। तीसरा था जी कंट्रोल एक्टिविटीज, इसके अंदर 3 पॉइंट्स थे। पहला था सेलेक्ट द डेवलपमेंट एक्टिविटी कंट्रोल्स, सेलेक्ट एंड डेवलप द कंट्रोल एक्टिविटी, जिसमें हमने क्या बोला था ऑथराइजेशंस, जिसका एग्जांपल्स हमने दिया था CAAR। CAAR का मतलब ये था कि जो कस्टोडियन होगा, जो राइटर होगा, जो अकाउंट देखेगा, जो ऑथराइज करेगा और जो रिकनसाइल करेगा, यानी हर बंदा सेपरेट होना चाहिए। तो वहां पे क्या था सेग्रीगेशन ऑफ वर्क आपने पढ़ा होगा। ठीक है तो यहाँ पर साथ में उन्होंने बोला, तो ये हमारा वो कंट्रोल एक्टिविटीज था। फिर सेलेक्ट एंड डेवलप द जनरल कंट्रोल ओवर द टेक्नोलॉजीज, यानी टेक्नोलॉजी में तो आपने इनबिल्ट कर ही दिया था, उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम द टेक्नोलॉजी आपको एक जनरल प्रोसीजर्स भी अप्लाई करने थे। फिर बोला था कि डेवलपमेंट थ्रू द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, और आपने यहाँ पे अच्छे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स लगा के आप अपने एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। लास्ट में था कि आपके इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन रेलिवेंट होने चाहिए पहली, तो दूसरी कम्युनिकेशन इंटरनली प्रॉपर जाने चाहिए, दूसरे जब भी एक्सटर्नली भी जाएंगे तो वो भी प्रॉपर चेक एंड वेरीफाइड होने चाहिए। जिसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है कि जब भी आप पब्लिक डोमेन में अपने फाइनेंशियल्स भेजते हैं तो इट शुड बी चेक एंड अप्रूव बाय द इंटरनल ऑडिट कमेटी। लास्ट में थी मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग तो हमने बोला था इट्स ऑन गोइंग असेसमेंट होता है, और साथ में अगर कोई डिफिशियंसीज होती है तो उसको वो कम्युनिकेट करते हैं और साथ में उसको रेक्टिफाई करते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये पूरा का पूरा पार्ट कहलाता है जी, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा कोसो फ्रेमवर्क फॉर इंटरनल कंट्रोल। नाउ अभी हम जब आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं तो वो नहीं इंटरनल कंट्रोल नहीं डिस्कस करने वाले हैं बल्कि ERM डिस्कस करने वाले हैं। तो एक छोटा सा थिन लाइन डिफरेंस था इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं आपको पहले बता दूं। ठीक है ये एक छोटा सा डिफरेंस था जो हमको आपके साथ कम्युनिकेट करना था। दूसरा अब आ जाइए इंटरनल कंट्रोल फॉर ERM। अब इसके जो 5 पॉइंट्स है वो टोटली डिफरेंट है। पहला है जी क्या पहला ये जो है पहला है जी गवर्नेंस एंड कल्चर, यानी बिजनेस के अंदर में आप अपने जो काम जो हो रहा है जो गवर्नेंस होता है, गवर्नेंस में क्या होता है इवैल्यूएट डायरेक्ट एंड मॉनिटर, चार काम होता है। व्हेन यू से द गवर्नेंस, गवर्नेंस जो होता है हमेशा 3 काम पे होता है। पहला होता है जी इवैल्यूएट, EDM,
पहले काम को बोला जाता है ई, ई फॉर इवैल्यूएट, ई डी एम, लिखा के ले रहा पहला जो होता है गवर्नेंस एंड कल्चर, तो गवर्नेंस एंड कल्चर के अंदर जो चीजें है, पहला गवर्नेंस जो टर्म होता है उसमें हम पढ़ते हैं ईडीएम के बारे में। ईडीएम का मतलब इवैल्यूएट, सबसे पहले इवैल्यूएट करना, फिर डायरेक्ट करना और तीसरा मॉनिटर करना, ये तीन काम होता है गवर्नेंस के अंदर में। एंड कल्चर का मतलब वही जो हमने बिजनेस कल्चर की बात करी है कि किस कल्चर में आपके कोर वैल्यूज बिजनेस के दिखने चाहिए, ताकि आप जिस कल्चर में, कल्चर का मतलब हमने सब चीज दिया था, बिजनेस इन्वायरमेंट लिया था सारा। तो ये जो पहला पॉइंट है, वो पहला पॉइंट क्या बातें करता है, गवर्नेंस एंड कल्चर की बातें करता है। फर्स्ट पॉइंट टॉक्स अबाउट द गवर्नेंस एंड कल्चर। अब ये समझते हैं कि गवर्नेंस एंड कल्चर के अंदर में क्या बातें हैं। तो बोलता है कि गवर्नेंस जो होता है सेट द ऑर्गेनाइजेशन टोन्स एंड एस्टेब्लिश द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईआरएम, एंड कल्चर रिलेट टू द डिजायर्ड बिहेवियर्स वैल्यू एंड ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रिस्क हेल्ड बाय द पर्सनल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके फाइव प्रिंसिपल्स जो होते हैं, जो गवर्नेंस एंड फाइव प्रिंसिपल, यानी पहला गवर्नेंस तो अलग है, उसके अंदर में ये फाइव प्रिंसिपल है रिलेट टू द गवर्नेंस एंड कल्चर। तो पांच चीजें यहाँ पे भी शॉर्ट फॉर्म में भी यहाँ पे बताई गई है। पहला एक्सरसाइज द बोर्ड रिस्क ओवरसाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोलता है कि फुल बोर्ड ऑर्डिनरीली बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्क ओवरसाइट, हाउएवर द बोर्ड मे डेलीगेट द रिस्क ओवरसाइट टू द बोर्ड कमिटी और उसके लिए एक नई कमिटी बना देगा जिसका नाम रिस्क कमिटी हो जाएगा। तो ये उसका पहला काम होता है। उसके बाद बोल रहा है कि बोर्ड ओवरसाइट रोल मे इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड टू, यानी आप उसको एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं मान सकते, दिस इज लाइक अ एक्सप्लेनेटरी कि आपके समझ आ जाए। द रिव्यू the challenge review and challenging decisions related to a strategy risk appetite and the significant business decisions, to ye sari cheeze hain unko check karna hota hai। dusra approving the management compensations, yani kinko kya milega ye bhi board batayega, aur teesra participating in shareholder relations, participating in shareholder relations that is also board oversights, ठीक है। ये उनके रोल्स पे आ जाते हैं। रिस्क ओवरसाइट इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन द बोर्ड हैज द नेसेसरी स्किल्स। अब बोर्ड के अंदर जो बंदे होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए, स्किल्ड होने चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप रिस्क की ओवरसाइट, रिस्क का आइडिया दे सकते हो कि भाई साहब हाउ यू आर कंट्रोलिंग द रिस्क। द इंडिपेंडेंट ऑफ द इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो बोर्ड के अंदर मेंबर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए ताकि वो अपने जब ओपिनियन दे तो वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं दे, ठीक है। तो ये उसके पांच पॉइंट है। डिटरमाइन वेदर द आरएएम कैपेबिलिटीज एंड प्रैक्टिसेस एनहांस द वैल्यूज और नॉट, ये जो इतना सारा तामझाम लगाया हुआ है बिजनेस में, ईआरएम इंप्लीमेंट किया, इस ईआरएम से बिजनेस में एक्चुअल वैल्यू क्रिएशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी उनको क्या करना है, दे हैव टू ओवरसी, दे हैव टू गिव द ओवरसाइट, दे हैव टू गिव द आइडिया। अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन बायसनेस influencing decision making and challenge the management to minimize this। और साथ में वो board और क्या क्या करते हैं जी, वो देखते हैं कि organization के अंदर में कोई किसी का favoritism तो नहीं चला रहा है, कोई ज्यादा business relation तो maintain नहीं कर रहा, जिससे कोई decision तो influence नहीं होते हैं, ये भी उनको ensure करना पड़ता है, check करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे पांच point को कैसे लिखा हुआ है, उन्होंने बोला कि देखिए exercise the board risk oversights, तो ये अपना यहाँ पे कवर हो गया, ठीक है। अब सेकंड चीज उन्होंने बोला क्या, ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर को एस्टैब्लिश करना। ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर्स को मतलब के बिजनेस जो है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगा, उसके लिए भी स्ट्रक्चर को डिफाइन करना बोर्ड का जिम्मेदारी होता है। द ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिशिंग द ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर्स
and that desired how the entity is organized and carrying out the day to day business. और वो डिस्क्राइब करते हैं कि बिजनेस कैसे किया जाएगा डे टू डे और बाकी सारे ऑपरेशंस को आप कैसे ये करेंगे परफॉर्म करेंगे. दे जनरली आर अलाइन विद द लीगल स्ट्रक्चर एंड द मैनेजमेंट स्ट्रक्चर. दो तरह के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरी मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से. मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कि ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से. फिर बोल रहा है द फैक्टर टू बी कंसीडर्स व्हेन एस्टैब्लिशिंग एंड इवैल्यूएटिंग द ऑपरेटर स्ट्रक्चर. जब किसी ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर्स को जब आप एसेस करते हो तो आपको क्या क्या चीजें देखनी है, तो सबसे पहले स्ट्रेटजीज देखनी है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूडिंग द रिलेटेड रिस्क ये देखनी है, नेचर साइज ऑफ द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये भी देखनी है, असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सारी चीजें देखनी है, टाइप ऑफ रिपोर्टिंग लाइन, कम्युनिकेशन के चैनल्स चेक करने, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल टाइप्स एंड कॉन्ट्रैक्चुअल अगर कुछ है तो ये सारे पॉइंट्स देखने हैं. दिस इज अगेन दिस इज जस्ट अ एक्सप्लेनेटरी, ये पूरी एग्जॉस्टिव नहीं है, चेंज हो सकती है रियल लाइफ में. फिर तीसरा क्या है, तीसरे पॉइंट्स क्या थे इसमें, डेमोन्स्ट्रेट दी कम्युनिकेशंस पहला है, डिफाइन दी डिजायर्ड कल्चर. डिफाइन दी डिजायर्ड कल्चर, अब कैसा कल्चर होना चाहिए, डिफाइन दी ऑर्गेनाइजेशन, डिफाइन दी डिजायर्ड कल्चर. The board and management are responsible for defining the culture. The culture is shaped by internal and external factors. Internal, the level of the management and authority allowed to personal standard rules and reward system. तो ये आपका internal factors है जिससे आपकी culture decide होती है. External factors में क्या क्या चीजें होती है, legal requirement, expectation of stakeholders. इससे आप बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिससे आपकी जो कल्चर जो होती है ये एक्सटर्नल फैक्टर्स में ये सारी चीजें कंसीडर की जाती है. अब इन्होंने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन डिफिनेशंस ऑफ द कल्चर डिटरमाइंस इट्स प्लेसमेंट्स ऑन द कल्चर स्पेक्ट्रम. ठीक है, यानी कोई मेजरमेंट होगा, कोई यार्ड होगा, कोई स्टिक होगा जिसके बेस पे ये चेक किया जाएगा. विच रेंज फ्रॉम रिस्क एवर्स टू द रिस्क एग्रेसिव. रिस्क एवर्स का मतलब ये होगा कि कुछ रिस्क नहीं लेना है इसके लाइफ में. रिस्क न्यूट्रल का मतलब है ठीक है, कुछ आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई मसला नहीं. रिस्क अग्रेसिव का मतलब होता है कि हाईली रिस्की प्रोजेक्ट में पैसे लगाने के लिए हमेशा रेडी रहने का. चौथा फिर इनका रिक्वायरमेंट है क्या, डेमोन्स्ट्रेट दी कमिटमेंट टू दी कोर वैल्यूज. तो कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, तो इन्होंने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन कोर वैल्यूज शुड बी रिफ्लेक्टेड इन ऑल इट्स एक्शन एंड डिसीजंस. जो भी वो काम करते हैं उनमें उनकी वैल्यूज दिखनी चाहिए. द टोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज द मैनर इन विच द कोर्स वैल्यूज आर कम्युनिकेटेड. अब ये टोन्स का मतलब वही कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, जो ऊपर के बंदे हैं मैनेजमेंट में जो बंदे बैठे होते हैं उनके टोन्स से ऑर्गेनाइजेशन की कोर वैल्यूज डिटरमाइन की जाती है. When risk aware culture tones are aligned, shareholders are confident and the organization abiding by its core values. तो जब आपके पास रिस्क अवेयर कल्चर हो, हर बंदा को पता हो ये काम करूंगा तो ये नुकसान होगा, ये काम करूंगा तो ये फायदा होगा, तो उस सिचुएशंस में यू आर गेटिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द इन्वेस्टर्स. स्टेक होल्डर डज नॉट लिमिटेड टू द इन्वेस्टर, दैट कैन बी एम्प्लॉय, दैट कैन बी द इन्वेस्टर, दैट कैन बी द क्रेडिटर, डेटर्स, गवर्नमेंट, एनी थिंग्स. ऑर्गेनाइजेशन अट्रैक्ट, डेवलप एंड रिट्रेन द कैपेबल. यानी ये जो है पांचवा पार्ट जो है, जो भी गवर्नेंस एंड कल्चर का पार्ट है उसके अंदर में क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन इंट्रैक्ट करेगा, डेवलप एंड रिटेन दी कैपेबल इंडिविजुअल्स. जो बंदे होते हैं उनको अपने यहाँ रखेगा ताकि वो बिजनेस के अंदर वैल्यू एडिशन कर सके. तो ये कौन सा पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं GNC, गवर्नेंस एंड कल्चर. GNC मतलब गवर्नेंस एंड कल्चर. ठीक है जी, तब वो कैसे करेंगे, द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग द HR, ह्यूमन कैपिटल नेसेसरी वो डिफाइन करेंगे कौन से, एंड दे नीडेड द कॉम्पिटेंस टू अचीव द स्ट्रेटजी एंड बिजनेस. बिजनेस ने पांच साल के बाद जो ग्लोबल लीडर बनना है उसके लिए तो बंदे चाहिए ना, तो ही हैज टू डिफाइन इट. ह्यूमन रिसोर्सेज फंक्शन असिस्ट द मैनेजमेंट इन डेवलपिंग द कॉम्पिटेंसी रिक्वायरमेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ अटेस्ट, ट्रेन, मेंटर, इवैल्यूएट, रिवार्ड एंड रिटेन. ये सारी टेक्निक्स है. Contingency plan should develop and prepare for the succession such as the plan, trained, selected the personnel to assume the responsibility of the vital to the ERM. ये भी ERM का part होता है कि आप अपने juniors को जो training देते हैं, that is also a part of the ERM, enterprise resource risk management.
उसके बाद आती है जी स्ट्रेटजी एंड ऑब्जेक्टिव सेटिंग। अब ये पॉइंट्स कहाँ पे है जी, स्ट्रेटजीज एंड ऑब्जेक्टिव सेटिंग जो है ये दूसरे पॉइंट्स है। इसमें इन्होंने बोला है कि ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेटजी मस्ट सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन विजन एंड कोर वैल्यूज, ये तीनों से अलाइंड होनी चाहिए। अगर और नहीं है तो फिर उसके स्ट्रेटजी गलत है, क्योंकि उसको जो बनना था, उसको जो जाना था, वो जो एस्पिरेशंस के लिए उसने काम किया था उसको अगर फुलफिल करना है, उस एस्पिरेशंस के हिसाब से चलना है, देन ही हैज टू मेक हिज स्ट्रेटजी। द इंटीग्रेशन ऑफ द ईआरएम विद द स्ट्रेटजी सेटिंग हेल्प टू अंडरस्टैंड द रिस्क प्रोफाइल रिलेटेड टू द स्ट्रेटजी एंड द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। इसमें चार प्रिंसिपल्स के बारे में बात किया गया है। तो चार प्रिंसिपल क्या है, पहला तो एनालाइज बिजनेस कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें बिजनेस कॉन्टेक्स्ट को आपको एनालाइज करना है विद अफेक्ट द रिस्क एंड इट्स अफेक्ट्स ऑन द रिस्क प्रोफाइल। रिस्क प्रोफाइल में हम लोगों ने क्या बोला था, एक समरी लिस्टिंग होती है जिसमें आप समझ पाते हैं कि क्या क्या रिस्क है बिजनेस को। द बिजनेस कॉन्टेक्स्ट पर्टेन टू द रिलेशनशिप एडवेंस, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट पर्टेन टू द ऑर्गेनाइजेशन इवेंट्स ट्रेंड्स एंड अदर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंगली। बिजनेस कॉन्टेक्स्ट इंक्लूड द ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट। अब उनके इंटरनल एनवायरमेंट में क्या हो सकते हैं, पहला चार कैटेगरीज में उनके इंटरनल एनवायरमेंट को बांटा गया है। कैपिटल, कैपिटल का मतलब एसेट, पीपल का मतलब स्किल एंड एटीट्यूड, प्रोसेस का मतलब टास्क, पॉलिसी एंड प्रोसीजर, चौथा टेक्नोलॉजी। तो उनके इंटरनल एनवायरमेंट के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं उनके एटीट्यूड को। पर वहाँ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में आपके ये वाली एग्जाम में आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पेस्टल आती है, पेस्टल एनालिसिस आपके एग्जाम में आती है। द एक्सटर्नल कॉन्टेक्ट में क्या क्या चीजें है, सिक्स कैटेगरीज है, पेस्टल बोला जाता है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंटरेस्ट रेट, सोशियल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल एंड लास्ट में एनवायरमेंटल। तो ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम में आते हैं पेस्टल। उसके बाद होता है कि बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में भी डायनेमिक, कॉम्प्लेक्स एंड अनप्रेडिक्टेबल। डायनेमिक का मतलब होता है न्यू चेंजेस को एक्सेप्ट करने वाले, न्यू इमर्जिंग चेंजिंग रिस्क कैन अपियर एट एनी टाइम्स, लो बैरियर्स फॉर द एंट्री अलाउ द न्यू कॉम्पिटिटर टू इमर्ज, कॉम्प्लेक्स द कॉन्टेक्स्ट में मेनी इंटरडिपेंडेंसीज एंड इंटरडिपेंडेंसीज एंड इंटरकोनेक्शंस। ठीक है, द ट्रांजेक्शनल कंपनी हैज सेवरल ऑपरेटिंग यूनिट्स अराउंड द वर्ल्ड एंड ईच विथ यूनिक एक्सटर्नल एक्सटर्नल एनवायरमेंट फैक्टर्स। तो बिजनेस कॉन्टेक्स्ट ये तीन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख सकते हैं, ये जस्ट रीडिंग है। द इफेक्ट ऑफ बिजनेस कॉन्टेक्स्ट ऑन द रिस्क प्रोफाइल मे बी एनालाइज बेस्ड ऑन द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर परफॉर्मेंस। ये भी आपका ओल्ड हिस्ट्रीज को देख के आप समझ सकते हैं और फ्यूचर आपको जो दिखने वाला है उसके हिसाब से। उसके बाद आता है जी रिस्क एपेटाइट। रिस्क एपेटाइट को हम लोगों ने काफी डिटेल में पढ़ लिया है कि वो रिस्क लेने की जो कैपेसिटी है, कहां तक वो रिस्क कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिस्क एपेटाइट। ठीक है, साथ में उनको ये सारे पॉइंट्स हमें से याद रखने हैं जी, बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन विजन और विजन को। द ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर द मिजन विजन एंड वैल्यू प्रायर एंड रिस्क कैपेसिटी, ये सारी चीजें है। रिस्क एपेटाइट मे बी एक्सप्रेस क्वालिटेटिवली एंड क्वान्टिटेटिवली, लो मीडियम हाई हो सकते हैं, परसेंटेज के फॉर्म में हो सकते हैं, क्वांटिटेटिवली हो सकते हैं, क्वालिटेटिवली मतलब लो हाई एंड मॉडरेट होते हैं। द बोर्ड अप्रूव द रिस्क एपेटाइट, बोर्ड चेक करती है और अप्रूव करती है कि कहां तक हम रिस्क को ले सकते हैं। लास्ट में क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस इवैल्यूएट्स द अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज। तो वो कैसे करते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन इवैल्यूएट द अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज, उसके लिए उन्होंने तीन चार ऑपरेटिंग मेथड्स लगाए हुए हैं। सबसे पहले जो है वो अप्रोचेज ऑफ इवैल्यूएटिंग जो क्या होते हैं, वो शॉर्ट होते हैं, जिसमें स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स को चेक किया जा सकता है। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एनालिसिस है। तीसरा सिनेरियो एनालिसिस। सिनेरियो एनालिसिस क्या होता है वो हम आपको बता दे रहे हैं, वो एज इफ एनालिसिस होता है। इफ द इनपुट चेंज, अगर कुछ भी चेंज होता है तो हमारा रिजल्ट में क्या फर्क पड़ेगा, उस टाइप की एनालिसिस को सिनेरियो एनालिसिस कहते हैं, उसको सेंसिटिविटी या एज इफ एनालिसिस भी बोला जाता है। द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट इवैल्यूएट the strategies alignment with the mission, vision and core value and the risk appetite and implication of the chosen strategies. यानी हमने जो risk को manage करने की देखी हो तो उसके impact को भी मैंने को check करने पड़ते हैं। Last में उन्होंने क्या बोला, formulate business objective। business objective अब बनाना है, कैसे बनाना होना चाहिए, इसके जो पांच points हैं इसको आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, स्मार्ट पोल के कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। जब भी आप ऑब्जेक्टिव सेटिंग करते हैं तो ऑब्जेक्टिव सेटिंग क्या होना चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, ए अटेनेबल, आर फॉर
कुछ होता है टी फोर टाइमली होता है, तो स्मार्ट होने चाहिए। कोई भी बिजनेस की जब आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो इट शुड बी स्मार्ट। कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा आई बिलीव, कहीं पढ़ा है कि नहीं, ऑब्जेक्टिव सेटिंग के बारे में कहीं पर पढ़ा है आप लोगों ने? देखिए स्पेसिफिक मेजरेबल रेलिवेंट होने चाहिए और टाइम बाउंड होने चाहिए। यानी अच्छा 5 पॉइंट्स अगर आप किसी बिजनेस में अगर आपको मिल जाता है, यानी उसके ऑब्जेक्टिव्स जो है प्रॉपर हैं, अगर वो 5 पॉइंट्स को कंप्लाई कर लिया तो ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने 4 पॉइंट्स ही लिया है, पर मैं आपको 5 बता दे रहा हूँ। द ऑब्जेक्शन मे रिलेट टू द अमंग अदर फाइनेंशियल हो सकते हैं, ऑपरेशन एक्सेलेंस होते हैं और कंप्लायंस ऑब्लिगेशन होते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आप अपने ऑब्जेक्टिव्स सेट करते हो। टारगेट एंड टॉलरेंस लेवल्स मेजर्स टारगेट एंड टॉलरेंस एंड एस्टैब्लिश टू एवेल्युएट द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। अपना टारगेट और टॉलरेंस दोनों आप डिसाइड करके रखते हो। अब आ जाओ आप परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस में आइडेंटिफाई करना है रिस्क का सबसे पहला काम होता है। आपने रिस्क को आइडेंटिफाई करना, तो रिस्क को आइडेंटिफाई आपने करना सीख लिया हुआ है कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन में आपको लिस्ट डाउन करना होता है कि आपके एक रीजनेबल क्या क्या रिस्क होने वाले हैं। फिर रिस्क की इन्वेंट्री बनानी है, ये भी आपको पता है, मेथड्स भी आपको पता है। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन मेथड एंड अप्रोच में क्या होता है, डे टू डे एक्टिविटीज ये आपने पढ़ा है, पीछे सिंपल क्वेश्चनायर्स होता है, फैसिलिटेटेड वर्कशॉप्स होता है, इंटरव्यू होता है, डेटा ट्रैकिंग होता है। ये आइडेंटिफिकेशन के मेथड्स है, अगर आपसे पूछ लिया तो लिख पाइएगा। चौथा होता है बिजनेस असेस द सेवेरिटी। सेवेरिटी का मतलब होता है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट को हमेशा देखा जाता है ये दो पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके इम्पैक्ट उसके लाइकलीहुड चांसेस होने से। टाइम होराइजंस तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। लास्ट में जो है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड में भी यूज, ये हमने पीछे पढ़ लिया था। क्वालिटेटिव मेथड्स में हमने क्या पढ़ा था, इंटरव्यू सर्वेज एंड बेंचमार्किंग। क्वांटिटेटिव बेसिस में हम क्या डिसीजन ट्री यूज कर सकते हैं, मोंटे कार्लो प्रोबेबिलिटीज यूज कर सकते हैं, बट ये आपके एग्जाम पे उतना डिटेल पे नहीं आएगा। अब आइए ये टेक्निक्स है, ये इम्पैक्ट्स वाली है, लाइकलीहुड्स है और इम्पैक्ट है। पीछे हमने पढ़ा है कि इसमें कौन सा आप एक्शन प्लान करेंगे, अगर इम्पैक्ट ज्यादा होगी तो क्या करेंगे, पीछे में आपके एग्जाम्पल्स में हमने कवर किया हुआ है। रिस्क प्रायोरिटाइजेशन का मतलब वही क्या होता है कि रिस्क को कम्युनिकेट करके आप उसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं किसके ऊपर आपने कौन से काम करने हैं। टू ऑप्टिमाइज द एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस एग्रीड अपॉन गवर्नमेंट तक agreed upon in the way the value characteristic higher priorities to be assigned to the risk approach exceed the risk appetite cost performance is question nahi hai sir organization identify and select the risk response ye bhi aapne piche pad liya hai acceptance avoidance pursuits risk reductions रिडक्शन शेयरिंग ये सारे आपने चीजें पढ़ ली है। फिर उसके बाद जब भी आप फैक्टर डिसाइड करते हैं तो आप बिजनेस कॉन्टेक्ट के हिसाब से देखते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कॉम्प्लेक्शन एक्सपेक्टेशन ये सारे पॉइंट्स आपने देखने थे। उसके बाद यहाँ पे आती है पोर्टफोलियो व्यू ऑन रिस्क, ये भी है इम्प्लीमेंटेशन डेवलप द पोर्टफोलियो रिव्यू। पोर्टफोलियो व्यू में हमने पोर्टफोलियो के बारे में पढ़ लिया है कि रिस्क पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, वहां पे लिस्ट डाउन करना होता है सारी चीजों के रिस्क से रिलेटेड। The culminations of risk identification, assessment, prioritization and response are the full portfolio view of a risk. यानी आप जितना सारा काम कर रहे थे identification, assessment, prioritization, response ये सारा उसका profile में include किया जाता है। The following four risk views are the different level of the risk integrations. पहला review with the minimal integrations, risk category limited integrations. Risk views, risk categories, risk are identified and assessed, emphasizes on the events, not on the business objectives. And operating structures के हिसाब से होंगे तो risk की categories होंगे। और भी कुछ चीजें हैं, risk profile views, partial integrations होंगे, portfolio view एक बार देख लेंगे, मतलब वैसा कोई मेरे को दिखा नहीं है कि इतनी important है ये सब चीजें। रिव्यू एंड रिविजन्स में ये है, रिव्यू एंड रिविजन्स में क्या होता है, द ऑर्गेनाइजेशंस रिव्यू एंड रिविजन्स
फॉर करेंट ईआरएम, करेंट जो अपना एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी कैपेसिटीज को, उसके प्रैक्टिस को, सारे को आपको रिव्यू करते रहना है, क्योंकि जब तक किसी चीज को आप रिव्यू नहीं करोगे, रिव्यू एंड रिवाइज जो होता है दैट इज कॉल्ड द ऑनगोइंग असेसमेंट होता है. The organization identify and assess the changes it may substantially affect the strategies and objective. Changes in organization context and the cultures are the most likely to substantially affect the strategy and business objectives. अगर थोड़े से भी culture में चीजें acceptance level में changes आ जाती है तो आपकी strategies और objectives भी change होने लगते हैं. सर, change may result from the change in organization internal or external factors. ये भी हमने पीछे देख लिया है कि internal और external factors में क्या क्या चीजें आती हैं. तो रिव्यू एंड रिविजन हमारा ये पॉइंट है जिसके अंदर असेसिंग द सब्सटेंशियल चेंजेस, रिव्यू द रिस्क एंड परफॉर्मेंस, एंटिटीज परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशन रिव्यू एंड एंटिटी परफॉर्मेंस रिजल्ट एंड कंसीडर द रिस्क, परफॉर्मेंस रिजल्ट दैट डेविएट फ्रॉम द टारगेट परफॉर्मेंस और टॉलरेंस में इंडिकेट द आइन unidentified risk, improperly assessed risk, new risk and opportunity to accept more risk and we need to revise the target performance and tolerance. ये भी हमारा review and revision का part है. Review and revision के अंदर में तीन चीजें हैं. फिर है क्या, pursue involvement, pursue improvement in the enterprise risk management. अब क्या होता है, pursue improvement में क्या है, the organization must continuously improve the ERM at all level even if the actual performance अलाइन विद द टारगेट. फिर भी आपको उसके अंदर में परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जब तक इम्प्रूवमेंट पे काम नहीं करेंगे पर डे इम्प्रूवमेंट पे वी कैन नॉट सी द चेंजेस. द मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट इंक्लूड द कंटिन्यूस और सेपरेट इवेल्युएशन और द पीयर कंपेरिजन. पीयर कंपेरिजन का मतलब दूसरे इंडस्ट्रीज में सेम टाइप की चीजें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, दैट इज कॉल्ड द पीयर. पीयर का मतलब साथी होता है, तो साथी की चीजें भी आप चेक करते रहते हैं तो उससे पता चलता है कि यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट. लास्ट है जी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग. तो इसमें बोला गया कि ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कैप्चर प्रोसेस एंड मैनेज क्या एंड कम्युनिकेट द टाइमली रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिटी रिस्क and could affect the strategy and business objective. Teen principle hain. Pehla bola hai, the organization leverages its information system to support the ERM. Tinhone bola hai ki leverage information and technologies. To aap apne information system aur technologies ko jab aap check karenge kiske liye, taaki aapke ERM ko wo support kar sake. To yahan pe bola gaya ki ab yahan pe thodi si ye hai डेफिनेशन बेस्ड है कि डेटा क्या होता है. डेटा जो होता है रॉ फॉर्म ऑफ कलेक्टिव एनालिसिस होता है. इंफॉर्मेशन जो होता है वो प्रोसेस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर डेटा होता है जो कि डेटा से इंफॉर्मेशन बनता है. तो डेटा पहला स्टेप होता है, इंफॉर्मेशन सेकेंड स्टेप होता है इन टू द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन. सो नॉलेज जो होता है इज अ डेटा ट्रांसफर्ड इन टू द इन्फॉर्मेशन. तो नॉलेज इज अ डेटा ट्रांसफर्ड इन टू द इन्फॉर्मेशन, यानी सिर्फ डेटा से नॉलेज नहीं बनता, यानी नॉलेज होने के लिए वो पहले प्रॉपर organized and structured hona padega. Information is relevant if it helps the organization to more eligible, more agile, yani agile ka matlab hota hai jo changing environment ke sath apne aap ko change kar sake, in decision making aur speed ko bhi bolte hain agile decision making and giving the competitive advantage. Dusre bande aaj karenge ab matlab kal karenge aap usko aaj kar lijiye, that how the data helps. अगर स्ट्रक्चर डेटा का मतलब होता है जो वेल ऑर्गेनाइज डेटा होता है जिससे आप चीजें को इजीली आसानी से उसको समझ सकते हैं, लेकिन अनस्ट्रक्चर डेटा होता है जहां पे डेटा अनऑर्गेनाइज लैक एंड प्री डिफाइंड पैटर्न उसमें नहीं होते, दैट इज कॉल्ड द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. अब बात आता है जो डेटा मैनेजमेंट का. तो डेटा मैनेजमेंट ये होता है कि इट्स अ प्रैक्टिस हेल्प टू इंश्योर दैट द रिस्क इंफॉर्मेशन इज यूजफुल टाइमली एंड रेलिवेंट एंड ऑन हाई क्वालिटी. The informations are the following are the element of effective data management. The data and information, the standards are established for delivery, quality and timely and security and the architecture of data. तो आपके पास proper उसके लिए क्या होना चाहिए, एक system बना होना चाहिए, standard होना चाहिए. फिर activities implemented होने चाहिए ताकि क्या हो सकते, activities are implemented to ensure that the established data standard are reinforced and corrections are made as necessary.
ठीक है। तीसरा, डेटा मैनेजमेंट आर्किटेक्चर्स होना चाहिए, यानी आपने डेटा को कैसे कलेक्ट किया है, कैसे रिटेन किया है, उसकी सिक्योरिटी का क्या हिसाब है, दैट कम्स अंडर द डेटा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। द इंफॉर्मेशन सिस्टम मस्ट बी अडेप्टेबल टू चेंज, इसका मतलब बहुत रिजिड सिस्टम नहीं होना चाहिए जो कि मतलब कि आपके थोड़े से भी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई या बिजनेस के स्ट्रेटेजी चेंज हो गई तो आपके पूरे के पूरे सिस्टम को चेंज करना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए, शुड बी फ्लेक्सिबल। अब उसके बाद लाता है कि ये वाली बातें हो गई, फिर उसके बाद आ गया कम्युनिकेशन रिस्क इंफॉर्मेशन। द ऑर्गेनाइजर कैन कम्युनिकेट द चैनल टू सपोर्ट, द ऑर्गेनाइजर यूजेस द कम्युनिकेशन चैनल्स टू सपोर्ट द ईआरएम। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट कम्युनिकेट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव टू द इंटरनल और द एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट सपोर्ट करती है। कम्युनिकेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द बोर्ड शुड इंक्लूड द कंटिन्यूअल डिस्कशन अबाउट द रिस्क एपेटाइट, दोनों के बीच में ऐसा नहीं कि साल में एक एक बार हो, दोनों आदमी कंटिन्यूअस हो। चैनल एंड मेथड्स क्या हो सकता है, द ऑर्गेनाइजेशन शुड अडॉप्ट द ओपन चैनल एंड अलाउ द रिस्क इन्फॉर्मेशन टू बी शोन एंड रिसीव बोथ वे, यानी टू वे कम्युनिकेशन दे एक्सेप्ट, नॉट द वन वे, बाई वे कम्युनिकेशन नहीं, टू वे कम्युनिकेशन। द कम्युनिकेशन मेथड शुड इंक्लूड्स रिटर्न हो सकता है, उसके लिए उन्होंने क्या रखा है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज हो सकता है, ईमेल हो सकता है, प्रिवेंट फॉरम हो सकता है, और लास्ट में आजकल वन टू वन डिस्कशन, और आपने सुना होगा विसल ब्लोअर्स के बारे में, वो भी दैट इज अनदर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द रिस्क। द बोर्ड मे होल्ड द फॉर्मल क्वार्टरली मीटिंग एंड कॉल द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग्स, कभी कभी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग भी बुलाते हैं ताकि कम्युनिकेशन हो सके आसानी से, ठीक है, ये हो गई। दूसरा बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट्स ऑन रिस्क कल्चर्स, रिस्क रिपोर्ट ऑन रिस्क कल्चर एंड परफॉर्मेंस। अब बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट्स जो होगा रिस्क पे, कल्चर पे, परफॉर्मेंस एट द मल्टीपल लेवल्स एंड द अक्रॉस द एंटिटी, हर लेवल पे होगा और पूरे एंटिटी के अंदर में आएगा। द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग द सपोर्ट पर्सनल्स, द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग इज टू सपोर्ट पर्सनल इज देयर अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप अमंग द रिस्क कल्चर एंड परफॉर्मेंस, डिसीजन मेकिंग रिलेटिंग टू द सेटिंग स्ट्रेटजीज एंड ऑब्जेक्टिव गवर्नेंस एंड डे टू डे ऑपरेशन। ये सीधे पर्पस है कि आप जब किसी को कम्युनिकेट करते हैं तो आप के रिपोर्ट से डिसीजन मेकर्स को इम्पैक्ट होता है, उनके डे टू डे एक्टिविटीज में इम्पैक्ट होता है, उनकी गवर्नेंस में इम्पैक्ट होता है, तो इट शुड बी कम्युनिकेटेड। रिपोर्ट कंबाइंस द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिस्क, रिस्क इन्फॉर्मेशन दैट ग्रेटर इम्फेसाइज इन्फॉर्मेशन दैट सपोर्ट द फॉरवर्ड लुकिंग डिसीजंस, यानी फ्यूचर्स को होने वाले डिसीजंस के ऊपर ये होने चाहिए, मतलब उसको सपोर्ट करना चाहिए। The management is responsible for implementing and control to ensure the reports are accurate. The management is responsible for maintaining that कि जो reports बन रहे हैं वो सारे proper होने चाहिए, complete, accurate and clear होने चाहिए, ये reports के attributes है। The frequency का मतलब क्या होता है, ये frequency उसकी severity and priorities के ऊपर define की जाएगी, ऐसे कोई weekly, daily नहीं हो सकते, depend करता है कि वो कितना important है, कितना severe है, कितना impact, कितना ज़्यादा उसका impact होगा, उसके हिसाब से उसकी frequency decide की जाएगी। Report on the culture may be communicated and among the means, other means, its surveys, lesson learned, analysis, are the better. Key indicator of the risk should be reported with the key performance indicators, KPI के through आप बता सकते हैं, and emphasize the relation of the risk and performance. साथ में उसको आप बता दे कि आपकी performance और risk के बीच में क्या relations है। तो ये हमारे जितने सारे 20 पॉइंट थे, 20 पॉइंट हमारे कवर हो गए। अब बात आती है जी assessing ERM, जस्ट दो पेज का और है। तो assessing ERM में क्या होता है, the COSO frameworks provide the criteria for assessing whether the organization ERM culture capable है practice to ERM culture capabilities and practice together with effective manage the risk to the strategy and business objectives। ये जो frameworks होता है ये assess करता रहता है कि अभी जो culture यहाँ पे लग रहा है वो क्या वो capable है और वो साथ में business के strategy और objective के साथ align है कि नहीं। Even the components, principal and supporting controls are present and functioning, यानी जो एक्सपेक्टेशन था कि हम जो ERM लगाएंगे उसके जो कंपोनेंट्स हो गए या उसके जो प्रिंसिपल्स होंगे ये प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं, कंट्रोल फंक्शंस, क्योंकि इनको क्या होता है इज रीजनेबली टू एक्सपेक्ट द मैनेज द रिस्क इफिशियंटली, ठीक है।
तो ये ऐसा उम्मीद किया जाता है कि इफ यू आर इम्प्लीमेंटेड द ERM इन योर बिजनेस तो आपके बिजनेस के सारे कंट्रोल्स इफेक्टिवली इफिशियंटली मैनेज हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, वैल्यू क्रिएशन होगा। ठीक है, अब लिमिटेशंस क्या हो सकते हैं, देखिए सबसे आसान सा सवाल होता है। पहला लिमिटेशन हो सकता है क्या कि फॉल्ट ह्यूमन जजमेंट बंदा ही गलत हो, कॉस्ट बेनिफिट्स में आपके जो बेनिफिट्स होते हैं वो कम है, कॉस्ट ज्यादा है, तो सिंपल एरर्स और मिस्टेक्स अगर कुछ हो गए तो कल्यूजन्स अगर लोग मिलके दोस्ती बना लिए तो फिर आप उसका सारा सिस्टम बेकार हो जाएगा। मैनेजमेंट ओवरराइड द ERM प्रैक्टिसेस। समटाइम व्हाट्स हैपेंस कि मैनेजमेंट में कोई भी बंदा ऐसा होता है जो बोलता है जा यार, इफ आई एम अप्रूविंग आई हैव द अप्रूविंग अथॉरिटी, लेट्स आई एम अप्रूव इट, देन इफ दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड इज देयर देन नो सिस्टम कैन वर्क। तो ये एक सिस्टम के बारे में जो था, एक ओवरऑल आपके पास हमने चीजें कंप्लीट करी है सेक्शन 4 की, इसको अब छोटा सा आपके पास है, इसके मेरे पास कुछ 30 से 40 सवाल है। आई हैव अराउंड 40 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शंस व्हिच इज लाइक टेकन फ्रॉम द लाइक, वो काफी डिटेल पे है, काफी अच्छा सवाल सब है। इफ यू प्रैक्टिस यू विल हैव अ मोर अंडरस्टैंडिंग, बट मैं एक बार बोलूंगा कि एक बार लगेगा 2 से 3 घंटा आपका जाएगा, बट आप एक बार जरूर पढ़ लो, क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीजें आपके जहन पे नहीं गई हो, बट एक बार जब आप पढ़ोगे ना तो फिर बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। तब आप जाके सवाल जब प्रैक्टिस करोगे ना, देन यू विल बी डूइंग द राइटली थिंग इन द राइट टाइम, फिर प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगा इस सेक्शन का। एक बार पढ़ना जरूरी था, और ये सेक्शन आप खुद से पढ़ने बैठ जाते तो आई बिलीव कि वो हो जाता, मुश्किल हो जाता, फिर खो जाते आप, काफी सारी थ्योरी थी इसमें। अनस भाई? यस मिराज भाई। ERM का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटरप्राइज रिसोर्सेस मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, या ऐसे कैसे, ERP होता है भाई, एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग। रिस्क, ओ ऐसा हो, आ गया थोड़ा सा होता है, मत सो भाई। टेस्ट नॉर्मली आई स्लीप एट 7-8 आफ्टर इशा। हां, बट जस्ट वेटिंग फॉर योर क्लास ओनली। तो CM में लिया तो थोड़ा सा तो पेन होगा ना भाई? सही बात है, इसलिए पेन लेते हैं। आपके पास है तो थोड़ा मजा भी आता है। चलो, थैंक यू भाई, थैंक यू। ये कुछ बोल रहा है कि रेंट फ्रंट प्रॉपर्टीज न्यू अपार्टमेंट बिल्डिंग वाज ऑलमोस्ट कंप्लीट, देयर वाज अ फ्यू इंस्पेक्शंस लेफ्ट टू पास एंड दे डिड नॉट हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ ऑक्युपेंसी, हाउएवर द ओनर फेल दैट दे वर क्लोज इनफ दैट दे आर अलाउड न्यू टेनेंट टू बिगिन मूविंग इट, द रिस्क दैट ओनर्स हैज क्रिएटेड इन द सिचुएशन इज द बेस्ट डिस्क्राइब। स्ट्रेटेजिक रिस्क, ऑपरेशन रिस्क, ऑपरेशन रिस्क एंड स्ट्रेटेजिक रिस्क। ऑपरेशन रिस्क बिकॉज द रिमेनिंग इंस्पेक्शंस एंड आंसर। ये मेरे को बी लग रहा है वैसे, आई डोंट नो, लेट मी चेक, गलत होगा उससे ज्यादा क्या होगा। सी, बी और सी, बी ऑपरेशन हो जाना, ऑपरेशन आने, मैनेजमेंट कैसे आएगा, ऑपरेशन। ओके, चेक कीजिए। ओनर वाज नॉट इन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशंस because the remaining could determine that building is inhabitation. Strategic तो नहीं है, सी हमको, चलो सी मार देते हैं यार, क्या दिक्कत, क्या
अच्छा ओनर्स का रिस्क बताना था, और हम लोगों ने जो जिस वक्त हमने सवाल पढ़ा था एक्चुअली वी रीड फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ द बिजनेस, ठीक है। नो ही इज द ओनर ना, कंप्लायंस विच इज एन ऑपरेशनल, कंप्लायंस इज द करेंट फ्यूचर रिस्क टू प्रॉफिट कंपनीज एसेट एज अ रिजल्ट ऑफ वॉयलेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक रिस्क बोल के कुछ नहीं होता, दिस इज नॉट अ स्ट्रैटेजिक रिस्क, दिस सिचुएशन इज नॉट अ स्ट्रैटेजिक, दिस इज ओपन, बट ओके सो आंसर बी के बारे में, दिस इज एन ऑपरेशन बट बिकॉज दे हैव ऑलरेडी ऑक्यूपाइड द बिल्डर विदाउट परमिशन द रिस्क इज नॉट ऑन द फेलिंग ऑफ फ्यूचर इंस्पेक्शंस। अच्छा The lawyer of a regional tobacco company have recently informed management they believe the company may lose an ongoing court case and as a result will be forced to pay a large monetary damage. The characteristic of the court and judicial system that influence the frequency and the severity of the loss is known as what? मोरल, स्पेकुलेटिव, कंप्लायंस, मोरल हजार्ड, क्या हो सकता है, कुछ आइडिया थे? अच्छा इत्तेफाक से जो जवाब दिए हैं वो वकील साहब हैं, कमाल भाई हमारे वकील साहब हैं, वकील साहब का क्या मतलब इसमें लगी रहा कंप्लायंस रिस्क, अब वकील मॉरल हजार्ड तो नहीं आने का, the characteristics of the court and judicial system that influence in the frequency and severity of losses is known as or legal risk c a or b or d dusra kuch nahi a b or d aur reh kya gaya anas bhai baba ji ko humko a or c ye c hum nahi lag raha ji सी डी में से एक ही होना चाहिए बाकी नसीब है। चलो कोई नहीं सी लगा दिया मैंने, लीगल रिस्क इंक्लूड द लीगल सिस्टम इन विच द कंपनी ऑपरेट एंड रिस्क ऑफ लॉस फ्रॉम अ लीगल केस, अब ये याद रहेगा। माइक स्मिथ इज द सीएफओ एट इजी एज टेक इक्विप and the manufacturer of computer equipment. Smith learned last week that the accounting department has not completed any bank reconciliation for last 6 months. वो तो हमारे कमाल भाई का भी आता है, इसमें कौन सा नया बात है, due to the implementation of a new accounting software. तो इसमें financial risk हो सकता है या ऑपरेशनल रिस्क भी हो सकता है, ऑपरेशन नहीं हो जाएगा, एज बी या डी में से एक होना चाहिए, तो स्ट्रेटेजिक रिस्क या फाइनेंशियल रिस्क, ये मेरे को डी लग रहा है, फाइनेंशियल लग रहा है, बाकी आप लोग बताएं क्योंकि मेरा और आपका अभी यहाँ पे सिचुएशन सेम है। Due to the implementation of a new accounting software package, a strategic risk. Strategic risk. ये थोड़ा मुश्किल सवाल बता दिया आपने। ये सर चैप्टर पूरा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल रहने तो।
नहीं फिर भी मतलब मैं फाइनेंशियल मार रहा हूँ, ठीक है, नहीं पता बाकी। मुश्किल नहीं है, ठीक है। ऑपरेशनल रिस्क है। हम सोचो ऑपरेशन मतलब काली ऑपरेशन है, अकाउंटिंग भी ऑपरेशन है। अच्छा नहीं पढ़ रहा है ना, इनएडुकेट दी इंटरनल प्रोसेस के कारण है, अ प्रोसेस पीपल एंड सिस्टम इज अ फील्ड ऑफ इंटरनल प्रोसेस, इसीलिए। और डी के बारे में क्या बोलते, सीधे बोला इट इज नॉट एग्जांपल ऑफ द फाइनेंशियल रिस्क। एनी हाउ नेशनलिज्म, नेपोटिज्म है क्या ये लिखा हुआ, करण जौहर वाला? नेशनलिज्म, एक्सपो प्रोपोर्शंस एंड टेररिज्म आर द बेस्ट कैटेगरीज। ए पॉलिटिकल रिस्क। ए हाँ यही लग रहा मेरे को भी, इतना खुल के बताएगा तो हो सकता है। इंपैक्ट के हिसाब से बताना है, इंपैक्ट के हिसाब से। ए टाइम पीरियड, प्राइटाइजेशन, वोलेटिलिटी। बी होना चाहिए इसका, बी या सी, क्योंकि भाई इसका रिस्पॉन्स मांग रहा है इम्पैक्ट रिस्क, तो पता चार तो नहीं, आएगा ही आएगा। पता नहीं, पता नहीं। पुराना वाला कहावत, अक्कड़ बक्कड़ बोल के बताना पड़ेगा इस बार। चलो भाई डी था, तो इसका मतलब ये रहा कि एक बार और डिटेल्ड पे पढ़ना है, तब जाके हम लोग जब आंसर करेंगे तो जबरदस्त समझ समझ के आंसर होगा। ठीक है जी, तो यहीं पे हम इस सेशन को एक बार रखते हैं, ताकि आपको भी एक दिन पढ़ने का मौका मिल जाए। और सैटरडे के दिन वी विल बी डिस्कसिंग सेक्शन बी विथ सम क्वेश्चन एंड दी प्रॉब्लम ऑफ काजल। तो सैटरडे के दिन मॉर्निंग का टाइम है, अगर आते हैं तो ठीक, नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं।